हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज का सिलेबस और उसके साथ साथ उसकी पूरी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि सीयूटी 2023 में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, सीयूटी 2023 के क्वेश्चन किस तरीके से सीयूटी 2022 से डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से सीधे सीधे अगर हम बात करें तो पूरा निचोड़ इस वीडियो में आपको पूरा निचोड़ मिलेगा बिजनेस स्टडीज में कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सा जो चैप्टर है या कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक आप लोग बने रहिए, ठीक। तो उसके बाद आपको पूरा का पूरा निचोड़ मिल जाएगा बीएसटी का, और बीएसटी का जो डर है पूरा खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा समय न लगाते हुए सीधे हम लोग सिलेबस पे आते हैं और उसके बाद उसकी ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, उसके पास जाने से पहले हम लोग ये देखें कि बीएसटी के पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होंगे 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको 40 अटेम्प्ट करें। कितना अच्छा है कि मतलब 50 क्वेश्चन आ रहा है सर और हमें बस 40 अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो 10 क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम छोड़ सकते हैं, 45 मिनट टाइम मिलता है उसको, यानी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट का समय मिलता है। तो हमको उसको अटेम्प्ट करना होता है और अपना समय भी बचाना होता है। 50 क्वेश्चन 40 अटेम्प्ट करना है, 10 छोड़ है। तो क्लासेस जब हम लोग क्लासेस करेंगे तो उसमें स्ट्रेटेजी हम लोग देखेंगे किस तरीके से किस क्वेश्चंस को हमको छोड़ना है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन 40 अटेम्प्ट करने, और अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत है तो नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे इस बार का जो पेपर था बहुत सारे शिफ्ट में, 8 या 9 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, और जब 9 शिफ्ट में पेपर हो रहा है 50 क्वेश्चंस आने हैं तो कोई टॉपिक बचेगा? कोई टॉपिक नहीं बचेगा, लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन सीधे उठ के आए, ठीक। तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें जो है मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस से क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट किस तरीके से आर्ट है, मैनेजमेंट किस तरीके से साइंस है, और मैनेजमेंट किस तरीके से प्रोफेशन है, यहां से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप मिडिल और सुपरवाइजरी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसमें से कौन सा टॉप लेवल है या कौन सा मिडिल लेवल है, कुछ ऑप्शन दे दिया आपके सामने, या इनमें से जो कौन सा काम, कौन सा वर्क टॉप लेवल का है, कौन सा वर्क लोअर लेवल का है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यहां से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे आपका पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, इसी तरीके जितने भी चैप्टर हैं, किसी भी चैप्टर में अगर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हैं, है ना, जैसे कि ये फंक्शन मैनेजमेंट पहले क्या आता है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोल, इसको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। लगभग हर चैप्टर का, लगभग क्या, हर चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से, कंट्रोलिंग से, हर चैप्टर से ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो कोऑर्डिनेशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं और उसके इंपॉर्टेंस से। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, 9 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए आगे बढ़े, सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड चैप्टर में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस जो आ जा रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है मैनेजमेंट का, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसके अलावा इस चैप्टर का जो सबसे फेवरेट और सबसे अच्छे दो टॉपिक है, टेलर के टेक्निक और फ्योल के 14 प्रिंसिपल, वहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं सीधे कि इनमें से कौन सा टेलर के टेक्निक है, इनमें से कौन सा फ्योल का 14 प्रिंसिपल में आता है, कौन सा नहीं आता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे हम लोग ट्रेंड एनालिसिस में देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थर्ड चैप्टर जो है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके फीचर से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके अलावा जो डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, वहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा एलपीजी जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में वहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके अलावा जो इसके फीचर्स हैं वहां से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद इस क्रम में हम लोग आगे बढ़े, जो चौथा चैप्टर है हम लोग के सामने, प्लानिंग, बहुत ही छोटा चैप्टर दिख रहा है ना, है ना, बहुत छोटा चैप्टर है सर, नहीं छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा घाव गंभीर इसी चैप्टर ने की है। कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, फीचर से भी क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर है, कौन सा नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन आए हैं, लिमिटेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा जो प्लानिंग का प्रोसेस है, ये अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर टॉपिक है आपको सीधा 5 नंबर देने वाला, तो ये यही सब है। किसी भी चैप्टर में अगर प्रोसेस दिख रहा है तो वो प्रोसेस आपको एकदम जबान पर रटे हुए होने चाहिए,
जो उसका सीक्वेंस रटा होना चाहिए कि पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या होता है, ठीक है। इसको स्टार मार्क करिए, यानी कि जिस भी चैप्टर में प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, जो टाइप्स ऑफ प्लान है कि सिंगल यूज प्लान कौन सा है, कौन सा स्टैंडिंग प्लान है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ। कैसे कि इनमें से कौन सा सिंगल यूज प्लान है, इनमें से कौन सा स्टैंडिंग प्लान है, ऐसे क्वेश्चन चार ऑप्शन दे दिया, तीन सिंगल यूज का दे दिया, एक स्टैंडिंग डाल दिया, और आपको चूज करना है कौन सा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, अगला जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। अगेन ऑर्गेनाइजिंग से कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, सर इंपॉर्टेंट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो उसका स्टेप स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, स्टेप वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा जो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन के, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इस बार डिविजनल स्ट्रक्चर से आए हुए हैं। तो इस बार हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस बार फंक्शनल से ज्यादा आ सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे तो सब। उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, डेलीगेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़े, स्टाफिंग। अगेन स्टाफिंग से क्वेश्चन आया, स्टाफिंग से कहां, वही नीड इंपॉर्टेंस, और उसके अलावा स्टाफिंग किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, और उसके बाद अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग आया हुआ है, हर चैप्टर का आया हुआ है। उसके बाद रिक्रूटमेंट और उसके सोर्स किस तरीके से क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंटरनल रिक्रूटमेंट का सोर्स है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का सोर्स है, इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद सिलेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ, और अगेन सिलेक्शन का प्रोसेस पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, ट्रेनिंग क्या होता है, और कौन से इनमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड है, और कौन से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड है, ये क्वेश्चन सीधे आया हुआ है। उसके बाद अगला चैप्टर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग से सर कहां से क्वेश्चन आया हुआ, अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट से भी आया हुआ है। डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट है, सुपरविजन, मोटिवेशन, ठीक है, मैस्लो की हायरार्की जो थ्योरी है मोटिवेशन की, वहां से आई हुई है। फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद लीडरशिप से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में फॉर्मल, इनफॉर्मल, और सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आया हुआ है कि कम्युनिकेशन के बैरियर, इनमें से कौन से कम्युनिकेशन के बैरियर हैं, किस तरीके के बैरियर हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम लोग, कंट्रोलिंग। अगेन काफी छोटा चैप्टर दिख रहा है, जो कंट्रोलिंग है देखने में फिर छोटा चैप्टर है, यहां कहां से क्वेश्चन आया सर, ठीक वही मीनिंग इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। उसके बाद स्टेप्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में या बार बार इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, बार बार मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं स्टेप्स को, क्योंकि हर बार कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जहां पे इन सब चीजों से प्रोसेस वाले क्वेश्चन ना आए हो। उसके बाद टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, दो तरीके के टेक्निक है कंट्रोलिंग के, एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सा इनमें से मॉडर्न टेक्निक है कंट्रोलिंग का, और कौन सा ट्रेडिशनल, इस तरीके से आया हुआ है। उसके बाद पार्ट बी में हम लोग चले बीएसटी के, तो सबसे पहला चैप्टर क्या है, बिजनेस फाइनेंस, कौन सा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें कहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ठीक है, रोल से और उसके ऑब्जेक्टिव, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर से सीधे, जो डेब्ट और इक्विटी वाला फार्मूला है ना, सीधे पूछा हुआ है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या फार्मूला है, इस तरीके से क्वेश्चन सीधे पूछा हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया, कौन सा कि कौन, मतलब कौन सा इनमें से फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल है, कौन सा इनमें से फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल है, कौन सा इनमें से फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, लगभग हर एक शिफ्ट में पूछे हुए हैं, ठीक। उसके बाद अगला चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में आपका मनी मार्केट से क्वेश्चन आया हुआ है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन आया हुआ है, कैपिटल मार्केट में जो ईआईपीओ वगैरह है, राइट इशू, ठीक है, ये सारे चीजों से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज से सीधे क्वेश्चन आया है, सेबी का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक, एनएससी कब आया उसका डेट पूछा है, ये सब, ये सिर्फ अभी सीयूटी 2023 की मैं बात कर रहा हूं, वहां क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो ये ट्रेडिंग प्रोसीजर, अगेन प्रोसेस वाले क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आया है। उसके बाद सेबी मैंने बता ही दिया। अगला चैप्टर मार्केटिंग। सर मार्केटिंग काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। कहां कहां से आए सर, तो मार्केटिंग में सबसे पहले जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट, वहां से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। उसके बाद मार्केटिंग जो मिक्स है, 4P बता दिया, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार, ठीक है, वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे क्लास में, ठीक। 4P में सारे चीज आ जा रहे हैं, तो वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आए हैं। अब आगे बढ़े अगर हम लोग,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से क्या क्वेश्चन आया सर, इसमें इंपॉर्टेंस से पूछा हुआ है कि कौन सा इसमें इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद इनमें से कौन से कंज्यूमर के राइट है, कौन से कंज्यूमर के राइट नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो रिटेल एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट, इन सबसे क्वेश्चन आया हुआ है नेशनल, और उसके बाद कंज्यूमर का क्या रोल है वहां से सीधे क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या रहा, और आखिरी चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यहां से किस तरीके क्वेश्चन आया सर, यहां से आपके कॉन्सेप्ट और नीड से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्पिटेंसी से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। उसके बाद प्रोसेस वाले अगेन क्वेश्चन यहां से, और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसकी वैल्यू से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि ये पूरा रहा चैप्टर, पूरे बीएसटी के चैप्टर का हम लोग ने देख लिया कि यहां यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको दिख रहा होगा सर हर एक टॉपिक से आए हुए हैं। तो जब 9 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, 50-50 क्वेश्चन आ रहा है, तो कहां से बचेगा, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा। लगभग हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, क्या है आगे हम लोग के लिए, तो आगे आप लोग के लिए ये है कि किस तरीके के क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, ठीक। अगर हम लोग केस स्टडी की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, 10 से 12 क्वेश्चन केस के रूप में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, इस तरीके के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2022 में क्वेश्चन आए हुए थे, इसीलिए हम लोग 22 वाले को भी ध्यान में रखते हुए इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर असर्शन रीजन से अगेन इस 2023 में क्वेश्चंस एक भी नहीं आए थे, लेकिन सीयूटी 2022 में क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद मैच द ऑप्शन वाले 6 से 8 क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट यानी वही सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चन है 6 से 8 आए हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन यानी कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसका ऑप्शन ए बी सी, बी सी डी, ए बी सी डी, ओनली ए एंड बी, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 23 से 26, यानी कि 50% जो क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं कि सेबी कब आया, ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, एनएससी कब आया, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। मोटिवेशन में से कौन से फाइनेंशियल है, कौन से नॉन फाइनेंशियल, इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद असर्शन रीजन देखिए 2022 में कितने आए थे, 6 से 8। उसके बाद स्टेटमेंट बेस कितने आए थे 2022 में, 4 से 6, यहां पे इस बार नहीं आए थे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े, ये क्या है सर, ये क्या है, ये आपका जितने भी चैप्टर यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरा निचोड़ किस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। सीएस का मतलब केस स्टडी, ठीक है। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्लास में धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये रहा सेकेंड पार्ट, चलिए उसके बाद अब ये क्या है सर, अब किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए। अभी मैंने आपको बताया कि मैच द कॉलम आए हैं, मल्टीपल ऑप्शन आए हैं, वन लाइनर आए हैं, केस स्टडी आए हैं, असर्शन रीजन आए हैं, तो हर तरीके के क्वेश्चन का एक मैं क्या लेकर आया हूं आपके सामने, एक एक्सट्रैक्ट मान लीजिए, ठीक है, एक डेमो मान लीजिए। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आप क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, देखते जाइए, ठीक है। ये रहा आपका मैच द कॉलम था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्राइमरी फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसी तरीके से आगे बढ़े हम लोग, तो ये रहा सीक्वेंस वाले, स्टेप अप प्लानिंग पूछा हुआ है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये केस बेस यानी कि एक केस दे दिया गया है और इस केस से रिलेटेड आपके सामने 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक, 10-5, ठीक है, क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो ये रहा आपका मोटा मोटी पूरा सिलेबस बिजनेस स्टडीज का, ये पूरा निचोड़ था आप लोगों के सामने, ठीक है, कि बिजनेस स्टडीज में किस तरीके के क्वेश्चन सीयूटी 2023 में आए हुए हैं और किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगला जो वीडियो आपके सामने आएगा सीधे नेचर एंड सिग्निफिकेंस यानी जो पहला चैप्टर है वहां से वीडियो आएगा और हम लोग कैसे करेंगे अच्छे से। अगर एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से कर जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, और उसके अलावा आपको थोड़ा सा और हेल्प चाहिए तो मालवीय एकेडमी आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।